नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। और आज का हमारा शो है खसरा क्यों पसरा। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई में खसरा फिर से पांव पसारने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक खसरे के मामलों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। आखिर हर साल मुंबई में खसरे का खतरा क्यों मंडराने लगता है? क्या खसरे के टीकाकरण को लेकर प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है, या लोगों में ही वैक्सीनेशन को लेकर उदासीनता है, या फिर इसके फैलने की कुछ और वजह है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या हैं। हम आपको अपने स्तर से, हमें और आपको अपने स्तर से क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम एक्सपर्ट की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। खसरे का प्रकोप एक बार फिर से मुंबई पर दिखने लगा है। पिछले साल भी इसी दौरान खसरे ने तेजी से पैर पसारा था। प्रशासन के टीकाकरण अभियान में तेजी के दावों के बावजूद पिछले 6 महीने में खसरे के 1400 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 244 मरीजों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल इसके संक्रमण से 11 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं इस साल अब तक खसरे के चलते 4 बच्चों की जान जा चुकी है। खासकर टीकाकरण नहीं होने वाले 5 साल तक बच्चों के इसकी चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं टीका नहीं लगने पर गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के अलावा, जिनमें विटामिन ए की कमी होती है, उनमें भी इसके संक्रमण का खतरा होता है। पहले समझते हैं कि आखिर कौन सी बला है खसरा। दरअसल खसरा पैरामाइस्को वायरस परिवार के रुबेला नामक एक वायरस की वजह से होता है। यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में बड़ी तेजी से फैलता है। अगर कोई खसरे के संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसे खसरे का टीका नहीं लगा है, तो उसमें इसके लक्षण दिखने में 8 से 12 दिन लग सकते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, बहती नाक, मांसपेशियों में तेज दर्द, सूखी खांसी और गले में खराश महसूस होना इसके शुरुआती लक्षण हैं। जैसे जैसे खसरे का असर बढ़ने लगता है, शरीर पर लाल चकत्ते, दाने के आकार के धब्बे दिखने लगते हैं। कई बार ये धब्बे मुंह में सफेद दाग की तरह दिखाई देने लगते हैं। कई बार शरीर पर दिखने वाले लाल छोटे दाने बड़े हो जाते हैं और खतरनाक रूप ले लेते हैं। रोशनी के संपर्क में आने से आंखों में दर्द की शिकायत भी खसरे के लक्षणों में से एक है। खसरे का वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के नाक और गले के बलगम में पनपता है और यह रोगी के खांसने, छींकने और सांस लेने से दूसरे में फैलने में सक्षम होता है। ऐसे में खसरे से संक्रमित रोगी से दूरी बनाए रखने के अलावा उसके कपड़े, उसके इस्तेमाल की गई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन खसरे की नौबत आए ही क्यों? इसके संक्रमण से बचने के लिए कारगर टीका MMR मौजूद है। सरकारी अस्पताल में इसका फ्री वैक्सीनेशन होता है। बच्चों को 12 से 15 महीने की उम्र के बीच और उसके बाद 4 से 6 साल की उम्र के बीच MMR का टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी को खसरा हो गया है तो डॉक्टर से तत्काल संपर्क करना चाहिए। वहीं दवा के साथ साथ संतुलित खानपान और आराम की जरूरत होती है। इससे एक तो दूसरे व्यक्ति में इसके संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा और रोगी जल्द ठीक हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के। हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति सबनीस हैं, संक्रामक रोग विशेषज्ञ फोर्टिस हॉस्पिटल की। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। डॉक्टर कीर्ति सबनीस जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, चूँकि ये मामला मुंबई से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हर बार मामले बढ़ जाते हैं, तो आप जरा हमें ये बताइए कि मुंबई में हर साल मामले बढ़ क्यों जाते हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रही हैं?
एक्चुअली जैसे अभी हम लोग ने सुना ये संक्रामित रोग है, तो इसीलिए जब भी जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लोग रहेंगे और वैक्सीनेशन का कवरेज रिलेटिवली कम रहेगा, हमें ज़्यादा मामले पता हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि ये हमें हर बार चालू मुंबई से होता है, क्योंकि थोड़ा डिटेक्शन सर्विलेंस हर एक ये संक्रामित लोग जो रोग रहते हैं, हम लोग के साथ कम्युनिटी एक्सपर्ट्स भी है, वो भी बताएंगे कि इसका एक सर्विलेंस सिस्टम रहता है। अगर कोई भी पेशेंट जो लक्षण हम लोग ने डिस्कस किए उससे आता है तो उसको इमीडिएटली हम लोग पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो कनेक्शन रहता है, जागरूकता रहता है, वो भी अगर एरिया में ज़्यादा रहेगी तो वो जल्दी इन्फॉर्म हो जाता है। तो ये सब कारणों के वजह से हमेशा ऐसा हो रहा है कोइंसिडेंटली कि ये मामले मुंबई से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ओके, तो ये रीजन आप देख रहे हैं जिसकी वजह से मुंबई में ज़्यादा मामले रिपोर्ट होते हैं। अब संजय जी, आप जरा हमें ये बताएं सर कि जो बात अभी मैम कह रही हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसकी एक वजह है, आपके हिसाब से वैक्सीनेशन के बावजूद ये पूरी तरह से कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, आप क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, जो मीजल्स का ये एक वायरल डिजीज है, वायरस है, यह हाईली कंटेजियस होता है, मतलब एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। कोई इन्फेक्शियस डिजीज जो इतनी तेजी से फैलने वाली नहीं है। अच्छा, जो इसका हम आर नॉट की बात करते हैं, जो बेसिक रिप्रोडक्शन रेट की बात करते हैं, 12 से 18 के बीच में, तो इसमें इवन अगर 90% पॉपुलेशन को भी हम इम्यूनाइज कर देते हैं, 10% में भी वो थ्रेशोल्ड अभी पार नहीं हो पाता है और इनका सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। अच्छा, नहीं तो इसकी इतनी अच्छी वैक्सीन हमारे पास है, एक डोज जो है पूरी लाइफ के लिए इम्यूनिटी दे देती है करीब 90% लोगों में। जो बच जाते हैं उनमें दूसरा डोज जब हम देते हैं तो वह ऑलमोस्ट 100% में जो है इम्यूनिटी दे देती है। एक कारण थोड़ा सा हो जाता है, कई बहुत से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती है किसी भी कारण से, वह हो सकता है रीजन। दूसरा, ड्यूरिंग कोविड जो है बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे काफ़ी असर पड़ा है पूरी दुनिया में। WHO ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कोविड के टाइम में बच्चों का टीकाकरण ओवरऑल काफ़ी कम हुआ है, हमारा इम्फेसिस कोविड वैक्सीनेशन पे ज़्यादा रहा है। और उन्होंने बार बार इसको रिकमेंड भी किया कि बच्चों में जो है हम जो है बाकी वैक्सीनेशन को ध्यान दें, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इवन हमारी कंट्री में जैसे मान लीजिए पोलियो भी नहीं है, इलिमिनेट कर चुके हैं हम, बट उसका भी खतरा अगर इम्यूनाइजेशन कम होगा तो कभी भी होने का खतरा रह सकता है। तो ये एक तो कोविड के बाद ये जस्ट ये हुआ। दूसरा जो है नेचर, जो इस बीमारी का नेचर है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है। जैसे अगर किसी का आर नॉट जिसको हम कहते हैं, मतलब एवरेज कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, 2 या 3 हो, तो इवन अगर 60-70% लोगों को भी हम इम्यूनाइज कर लेते हैं तो उस बीमारी को हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जिसकी जो इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोविड का जो अभी वेरिएंट आया था आपको, ये जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इतने लोगों को इन्फेक्शन हो गया। कोविड में वैक्सीन उतना इन्फेक्शन को तो नहीं प्रिवेंट करता है जैसा कि मिजल्स में करता है, बट डिजीज को प्रिवेंट करता है, सीवियरिटी डेथ कम करता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो थ्रेशोल्ड हम नहीं पा पाए क्योंकि अच्छा। जो न्यू वेरिएंट आते रहे इसकी हाईली इन्फेक्टिविटी के कारण जो है हमें वो तभी संभव हो सकता है जब पूरी दुनिया में लोग जो है ऑलमोस्ट 100% जो है वैक्सीनेशन को अचीव कर लें, क्योंकि एडल्ट पॉपुलेशन में तो इन्फेक्शन हो चुका है, एडल्ट पॉपुलेशन में उसकी जरूरत इजोली नहीं पड़ती, ज्यादातर एडल्ट पॉपुलेशन को या तो वैक्सीन लग चुका है इन्फेक्शन, एक बार आपको इन्फेक्शन भी हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। अच्छा। आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं होती है। संजय जी, इस पर पूछना चाहूंगा, ये आपने बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं, इस पर थोड़ा आज आप क्लियर भी कर दें, हालांकि आपने किया, मैं फिर भी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अगर एक बार किसी को मीजल्स हो जाए तो दोबारा उस व्यक्ति को कभी नहीं होगा सर, या दोबारा होने का खतरा रहता है? ऑलमोस्ट खतरा नहीं रहता है दोबारा होने का, और होगा भी अगर दोबारा कभी बाई चांस 100 में से 1-2 लोगों को हो भी सकता है तो बहुत ही माइल्ड होगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। ये इसीलिए जिनको मिजल्स हो गया है उनको मिजल्स देने का हम रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। कोई भी गाइडलाइंस जो है अच्छा। पूरी दुनिया में ये नहीं है कि जिनको मिजल्स हो गया उनको भी दे दो। अच्छा। लेकिन जब बच्चे, इसीलिए
सारे बच्चों को दिया जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग उसके ये हैं। जैसे हमारे यहाँ चूंकि एंडेमिक कंट्री है, मुंबई का आप नाम ले रहे थे, मुंबई भी एंडेमिक है, पूरी हिंदुस्तान ही एंडेमिक कंट्री में है, तो यहाँ चूंकि ज्यादातर केसेस होते हैं तो हम जल्दी से जल्दी बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। okay. तो जल्दी जो है इसीलिए हम यहाँ 9 महीने पे ही दे देते हैं। ठीक है, 9 महीने पे प्रोटेक्शन लेवल उतना नहीं हो पाता क्योंकि मदर की एंटीबॉडीज उसमें जो है उस प्रोटेक्शन को प्रिवेंट करती है, बट फिर भी हम बहुत सी लाइफ सेव कर लेते हैं। इस यहाँ पे सेकेंड डोज हम जो देते हैं, आपने शायद वो बाकी कंट्रीज में जो है यूरोपियन कंट्रीज में 4 से 5 साल में देते हैं, अपनी कंट्री में हम जो है 16 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में ही सेकेंड डोज देते हैं। अच्छा। इसीलिए सेकेंड डोज देते हैं कि उस समय 1 साल के बाद जब हम देते हैं तो ऑलमोस्ट उसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये कंप्रोमाइज सिचुएशन है कि अच्छा प्रोटेक्शन भी मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम बचा लें। तो मिजल्स के केस में यही होता है जी, यहाँ पे हम 1 साल से पहले ही दे देते हैं। बाकी कंट्री में अगर आप देखें डेवलप कंट्री में तो 2 साल पे देते हैं क्योंकि वहां उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है, तो ये आपने डिटेल में बताया समझाया। अब डॉक्टर समीर भाटी जी, आप जरा हमें ये बताइए कि अभी कीर्ति मैडम कह रही थी कि चूंकि मुंबई में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, इसके ये भी एक बड़ी वजह है जिससे ये फैलता है, और अभी डॉक्टर संजय राय ने भी यही बात कही कि ये बहुत हाईली मतलब ये तेज़ी से बढ़ने मतलब फैलने वाली बीमारी है। आप जरा हमें ये बताइए कि क्या दिल्ली में भी यही सिचुएशन है, चूँकि आप दिल्ली में ग्राउंड पर काम करते हैं, दिल्ली में भी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह के मामले तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या ग्राउंड सिचुएशन है दिल्ली का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जैसे अभी हमने मुंबई की बात की, मुंबई एंड दिल्ली का अगर हम कंपैरिजन करें, मुंबई में तो हमने पिछले साल भी इवन अगर हम कोविड के टाइम पैंडेमिक के समय अगर 2 साल का वो ब्रेक देख लें जो हमारा 2021 और 22 के अंदर, उस समय हम लोगों ने 20 और 21 के अंदर उस समय तो ऑब्वियसली दूसरी चीजें उतनी प्रिवेलेंट नहीं थी क्योंकि जब एक तरह का वायरस ज्यादा डोमिनेट होता है तो बाकी सभी तरह के वायरसेस और सप्रेस हो जाते हैं। तो दो चीजें हमने इस दौरान नोटिस की कि जैसे 2022 के अंदर लास्ट ईयर हमने स्पेसिफिकली जी, अच्छा मैं आऊंगा आपके पास, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। अब कीर्ति मैम, ये तो ठीक है आपने बता दिया क्यों फैलता है, अब जरा हमें ये बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों में भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिजल्स हुआ, इसको अलग अलग नाम से देश में जाना भी जाता है, अलग अलग शहरों में, कहीं पर खसरा, कहीं पर इसको ट्रेडिशनल नाम दिया जाता है कि छोटी माता, तमाम तरह की बातें होती हैं। आप जरा बताइए क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, या ये 7-10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है? देखिए जैसे हम लोग ने शुरू में सुना कि ये स्पेसिफिक वायरस है, तो इसके लिए ऐसा जैसे कि कोविड के लिए एंटीवायरस ड्रग्स हैं, हर्पिस के लिए एचआईवी के लिए एंटीवायरस ड्रग्स है, इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है। ट्रीटमेंट हम लोग जनरली सिम्टोमेटिक देते हैं कि जैसे बॉडी पेन है, बॉडी पेन का ट्रीटमेंट है, फीवर का ट्रीटमेंट है, लेकिन मेन क्या होता है इसमें अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो तो ये इन्फेक्शन, क्योंकि विटामिन ए भी हम लोग का जो म्यूकोजल या फिर जो बाहर का श्वास का जो एरिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका जो इम्यूनिटी रहता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है विटामिन ए का। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन कम पड़ जाता है। तो विटामिन ए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है खास करके बच्चों में। और इनका मेन प्रॉब्लम जैसे कि हम लोग ने मुंबई में देखा 4 लोग बच्चों की डेथ हो गई, तो इनमें डेथ इज नॉट मीजल्स की वजह से, मीजल्स की वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं उसमें डेथ ज्यादा होता है। अच्छा। तो फिर वो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स भी उनमें जरूरी होते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है समीर जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, दिल्ली के बारे में आप बता रहे थे, सर कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल, देखिए जैसा हम कंपैरिजन कर रहे थे, स्पेशली अगर मुंबई में तो हमने ये माना पिछली बार अगर देखें तो पोस्ट पैंडेमिक क्योंकि इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ था बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर, तो ये कारण लग रहा था कि शायद उस वजह से इस तरह के छोटे छोटे एरियाज के अंदर आउटब्रेक हुए हैं। हाँ, दिल्ली के अंदर उस तरह की स्थिति नहीं देखी, उस तरह से आउटब्रेक हमने स्पेसिफिकली मीजल्स को लेकर नहीं देखे, पर इस बार अगर देखें मुंबई में खासतौर पे तो जो पिछली बार था उससे भी 5% का राइज है, जबकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फिर भी हमारा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें हम लैकिंग देखें तो स्पेसिफिकली मैं इसमें इम्यूनाइजेशन का जो ब्रेक हुआ उसको मानूंगा, क्योंकि
हमने नेशन वाइज अगर देखें तो एक कैंपेन चलाई थी एमआर के लिए, मीजल्स और रुबेला के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो चली थी 2017 और 18 के अंदर, जिसमें 33 करोड़ के करीब जो स्कूल गोइंग बच्चे थे जिनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था, और उसके अंदर काफी सारे स्टेट के अंदर इसका एलिमिनेशन ठीक तरीके से काफी सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा। बल्कि उसका टारगेट था कि 2023 तक, इस साल के एंड तक हमें उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, पर क्योंकि बीच में ये ब्रेक आ गया था पेंडेमिक का, ठीक है, प्रोग्राम पूरी तरह से चल नहीं पाया। ओके, बट कहीं ना कहीं अगर ये अवेयरनेस ठीक तरीके से चले, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा ठीक तरीके से चले, तो काफी हद तक इस तरह के स्मॉल आउटब्रेक को हम रोक सकते हैं। राइट। अब संजय जी ये बताइए, सर आप जरा हमें ये बताइए कि मैं अपने ऑडियंस के लिहाज से आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैडम ने बताया कि विटामिन ए भी एक बड़ा फैक्टर होता है, उसकी डिफिशियंसी होती है। कई लोग ये मानते हैं कि जैसे 7 दिन, मैं जब जो मैं गांव की बात कर रहा हूँ या बड़े पैमाने पर लोग ये मानते हैं कि जैसे 7 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर कभी 3 दिन में या कभी 7 दिन में आप नीम के पत्ते वाले पानी से नहा लें तो आप उसके बाद ऑफिशियली मान लें कि आपका चला गया मीजल्स। ये ठीक धारणा है या आपको लगता है कि मिथ है, इसको तोड़ने की जरूरत है, ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें मीजल्स को लेके छोटी माता, खसरा, मीजल्स, इवन जब बड़ी माता थी तो बहुत ही जो है धारणाएं थी। आप सबको ये जानना चाहिए कि मीजल्स जो है अपने से ही ठीक होता है, उसके लिए कोई दवा मेरे पास नहीं है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज में आता है। मीजल्स से प्रॉब्लम क्या होती है, मीजल्स जब होता है जो जिसको खसरा कहते हैं, तो हमारा शरीर वीक हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम उस समय हमारा कमजोर हो जाता है, तो बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब ये तो वायरस है, दूसरे बैक्टीरिया आते हैं जिसके कारण से जो बच्चों में डेथ होती है वो निमोनिया के कारण से हो जाती है, डायरिया होने लगता है बच्चों को, जिनमें विटामिन ए की कमी रहती है उनमें ये सब होने का खतरा और बढ़ जाता है। इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसको ट्रीट करते हैं, खसरा को ट्रीट नहीं करते हैं। अच्छा। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर ट्रीट नहीं, निमोनिया को ट्रीट नहीं किया तो जानलेवा हो सकता है। जो डेथ होती है वह मेनली जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण से होती है। अच्छा। इसमें चाहे पेट का इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए। जी हाँ सर, सर इसमें एक सवाल मेरा और है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये आपने कहा कि जो मीजल्स की वजह से जो होता है, जो दिक्कत आती है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो मान लीजिए किसी को मीजल्स में तेज बुखार है, राइट, या मान लीजिए बॉडी पेन है, तो क्या तेज बुखार के लिए कोई बुखार की दवा खानी चाहिए या बॉडी पेन के लिए कोई मेडिसिन लेना चाहिए? जी हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अभी डॉक्टर साहब ने बताया ही था कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी उसके लक्षण आए उस लक्षण को, अगर बुखार आ गया तो बुखार को हटाने के लिए दवा देते हैं, डिहाइड्रेशन ना हो, बुखार में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम कहते हैं पानी पीते रहिए, तो जो भी बॉडी एक है तो उसके लिए दवा देते हैं, जो भी सिम्टम्स हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। उस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि वह सेल्फ लिमिटिंग है, अपने ठीक होता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि वह जो है इन्फेक्शन ना हो। आप देखिए तो जो गांव में कुछ प्रचलन है, सभी खराब नहीं है, जो कुछ प्रचलन है कि नीम का पत्ता बाहर टांग देते हैं लोग, चप्पल पहन के जहां पे छोटी माता है उनको प्रणाम करते हैं, उनके पास, मरीज के पास नहीं जाते हैं, या दूर से देखते हैं, या चप्पल जूते पहन के नहीं जाते हैं, ठीक बात है, ये सब अच्छा है। एक तो उसको आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट करने से इन्फेक्शन नहीं फैलेगा दूसरों में, दूसरा उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, आप चप्पल जूते ये सब बाहर निकाल के जाते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होता, तो उसको माता कह के ही, तो ये एक अच्छा प्रचलन है, सारे प्रचलन खराब नहीं होते हैं। अच्छा। अगर पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यह जो है एक बहुत ही कारगर उपाय है इसके प्रसारण को रोकने में। जी अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया सर डिटेल में। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि मीजल्स यानी खसरा क्यों फैलता है, कैसे फैलता है और इसको कैसे रोका जाए। तो अब भाटी जी आप हमें ये बताइए सर कि पहले तो ये कि ये ना हो, मतलब मीजल्स ना हो, इसके लिए क्या सावधानी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर प्रिवेंशन के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा जैसा पता है कि ये काफी ज्यादा हाईली संक्रामक है, तो पहले तो उन एरिया के लिए अगर हम बात करें जहां पर ये फैला हुआ है तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हमें किसी भी तरह से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे मिलते वक्त ये सब हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एयरबोर्न भी है, मतलब जैसा हम
कई बार कोविड में भी देख रहे थे कि हवा के अंदर भी जो है ये वायरस रह सकता है 2 घंटे तक। तो इस वजह से एक बार हम जिस एरिया के अंदर स्प्रेड हुआ है तो वहां पर आपको पूरी तरह से सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर किसी तरह के ऐसे लक्षण नजर आते हैं जो हम बात करें स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर जो भी रहते हैं जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो गया या और भी जो फ्लू लाइक लक्षण हम जब हमेशा बात करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लेना है क्योंकि अदरवाइज ये स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है और उस समय उनको लगेगा कि जैसे आपके सिम्टम्स सबसाइड हुए हैं तो उस टाइम भी आपको वैक्सीनेशन दी जा सकती है क्योंकि वो भी इसमें इफेक्टिव रहती है। ट्रीटमेंट अपना पूरा रखना, हाइड्रेशन अपना पूरा रखना है, इन्हीं सब बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब मैम, डॉक्टर कीर्ति मैम, आप जरा हमें फटाफट बताइए, दो एक ही सवाल में दो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि नीम, जो भी डॉक्टर राय ने बताई बात बहुत महत्वपूर्ण की, जो आप प्रिकॉशन लेते हैं जो एक ट्रेडिशनल गांव में, वो भी एक आपके लिए अच्छा है ताकि आप इन्फेक्शन से बच के रहते हैं। आप जरा इसमें थोड़ा और ऐड कीजिए, क्या ये 3 दिन या 7 दिन में नीम के पत्ते से नहाने वाली बात भी ठीक है, करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे अभी डॉक्टर भाटी ने कहा कि एयरबॉर्न है, अगर घर में किसी को हो जाए तो उनसे कितनी दूरी बना के रखना चाहिए? तो जैसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया, नीम के पत्ते से जो नहाना है उसे कुछ हार्म तो नहीं है, ट्रेडिशनल उपाय है, लेकिन अगर नहाएंगे तो नीम में जो भी थोड़े बहुत, इट इज नॉट लाइक एक टोटल एंटीसेप्टिक रहेगा नीम, लेकिन एटलीस्ट सुपरफिशियल जो स्किन के इन्फेक्शन हैं वो तो कम हो जाएंगे, तो देर इज नो हार्म। अगर आप नहाएंगे नीम के पत्ते से तो कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, हर 2 घंटा दिन में 2 बार नहाए, फायदा भी नहीं है मैम, कभी कभी फायदा भी नहीं है, हो सकता है फायदा भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो इट इज नॉट, उसके जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, इट इज नो एंटीवायरल, तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, अब जैसे मुंबई जैसे शहर में अगर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, लोग छोटे घरों में रहते हैं, तो अब जरा आप बताइए घर में किसी मेंबर को हो जाए तो उनसे किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, कितनी दूरी मेंटेन रखना चाहिए, कैसे उसको फॉलो किया जाए? मैम, सबसे पहली चीज है कि उनको आइसोलेट करना है, क्योंकि ये क्लोज कॉन्टैक्ट जहाँ पे एयर एक्सचेंज, एयर हवा का प्रवाह अच्छा नहीं है, वहाँ पे ये एयरबॉर्न जैसे कि खांसी से भी फैल सकता है, इसीलिए जनरली ये डिसीज बच्चों में होता है, तो उनको एक अलग रूम में एटलीस्ट रखना होगा, उनके सब सिक्रीशंस, उनके जो कपड़े हैं, जो बेडिंग है, जो वो चद्दर वगैरह यूज कर रहे हैं, कप वगैरह यूज करने हैं, वो अलग रखने होंगे एटलीस्ट फॉर पहले 5 दिन के लिए। अगर घर कोई लो इम्यूनिटी वाले जैसे कि ट्रांसप्लांट या फिर इम्यूनो सप्रेशन पे कोई दूसरे लोग हैं, तो उनको बेटर रहेगा कि वो दूसरे घर पे शिफ्ट करें या फिर दूसरे रूम में रखें, उनके साथ अच्छा। बिल्कुल ही कांटेक्ट ना आने दें। सिमिलरली प्रेगनेंसी के लिए भी सिमिलरली सेपरेट रखना होगा। ओके, ठीक है, तो ये प्रिकॉशन, लेकिन ये रिस्क एकदम ही कम हो जाएगा अगर आपने पहले वैक्सीनेशन लिया है, क्योंकि 2 डोज वैक्सीनेशन के लिए रहेंगे तो आपको सेकेंड टाइम मीजल्स होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। ओके, ठीक है। अब जरा आखिरी सवाल संजय जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, कि सबसे ज्यादा फैलने का खतरा बच्चों में होता है या एडल्ट में होता है? अगर मान लीजिए ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो क्या बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में लेता है? देखिए, बच्चों को इसलिए चपेट में लेता है कि बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है। पहले ही मैंने बताया कि इम्यूनिटी 2 तरीके से मिलती है, या तो वैक्सीन से मिलती है या इन्फेक्शन से, और दोनों ही, वैक्सीन भी हमारे पास बहुत अच्छी है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देती है, बहुत लंबे समय तक देती है, ऑलमोस्ट हम उसको मानते हैं कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देती है, और एक बार आपको मीजल्स हो भी जाता है खसरा तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देती है। बच्चों में आप जो इस दोनों ही अभी कम है, बच्चों में हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन से ही इम्यूनिटी होती है, क्योंकि अपनी कंट्री में हम 9 महीने पे दे रहे होते हैं, तो 100% बच्चों में सीरो कन्वर्जन नहीं होता, एंटीबॉडीज नहीं बनती, इसलिए जो है कुछ बच्चे अनप्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज इंटरफेयर करता है। 30 सेकंड का एक सवाल सर आपसे और, 30 सेकंड का एक सवाल सर आपसे और, कि मान लीजिए किसी ने बचपन में ना ली हो वैक्सीन किसी कारणवश, इसकी कोई उम्र तय है कि आप किस उम्र तक ये वैक्सीन ले सकते हैं या कभी भी ले सकते हैं किसी भी एज? जो रिकमेंडेशन है, जब तक अगर कोविड, अरे सॉरी कोविड कह रहा हूं, मिजल्स नहीं हुआ है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी उम्र में। ओके, अगर नहीं हुआ है तो। जी हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय राय आपका, डॉक्टर कीर्ति सबनीस आपका, और डॉक्टर समीर भाटी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।